आप जब किसी बच्चे से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील जैसा कुछ बनने की बात करता है। लेकिन अब हरियाणा के बच्चे ये नहीं बोल पाएंगे कि हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, क्योंकि हरियाणा की खट्टर सरकार ने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि कोई बच्चा सूबे में डॉक्टरी की पढ़ाई कर ही ना पाए, कोई बच्चा डॉक्टर बन ही ना पाए। मेरा नाम सीखा है, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर मैं बन नहीं पाऊंगी क्योंकि MBBS कोर्स की फीस बहुत बढ़ा दी गई है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वह अपने फैसले को वापिस ले। जय भीम, मैं हूँ सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में MBBS की पढ़ाई में फीस बढ़ोतरी की, जिसने मेडिकल स्टूडेंट्स की नींद हराम कर दी है। सरकार ने कैसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंसकर मेडिकल छात्र बर्बाद हो जाएंगे। खासकर बहुजन समाज के बच्चों के लिए BJP की हरियाणा सरकार का ये फैसला बहुत नुकसानदायक होने वाला है। पहले आप खबर समझिए। दरअसल हरियाणा सरकार ने डॉक्टरी यानी MBBS कोर्स की फीस में भारी भरकम बढ़ोतरी की है। 6 नवंबर को हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक साल 2020-21 के लिए राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले MBBS छात्रों को अब 53,000 की जगह 80,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये फीस हर साल 10% की दर से बढ़ती रहेगी, यानी सेकेंड ईयर में आपको 88,000, थर्ड ईयर में 96,800 और फाइनल ईयर में 106,480 रुपये देने होंगे। यानी कुल मिलाकर 4 साल के लिए MBBS कोर्स के लिए 371,280 रुपये चुकाने होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले फीस तो अब भी काफी कम है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि खट्टर सरकार ने छात्रों को लूटने के मामले में प्राइवेट कॉलेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक छात्रों को फीस के साथ साथ करीब 40 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरना होगा। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब मेडिकल छात्रों को हर साल फीस के अलावा सालाना 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा, यानी कुल 4 साल में करीब 40 लाख रुपए का बॉन्ड। और बाकी किताबों और अन्य मेडिकल उपकरणों का खर्चा तो इसमें शामिल है ही नहीं, यानी आपको हरियाणा में डॉक्टर बनने के लिए मोटा मोटी करीब 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक तरह से हरियाणा सरकार ने छात्रों को बंधुआ मजदूर बनाने का भी इंतजाम कर लिया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक या तो आप बॉन्ड की रकम खुद भरिए या फिर हरियाणा सरकार से एजुकेशन लोन ले लीजिए। लेकिन अगर गलती से आपने हरियाणा सरकार से एजुकेशन लोन ले भी लिया, तो आपको हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में पूरे 7 साल तक सेवाएं देनी होंगी। और अगर आपने 7 साल तक नौकरी नहीं की, तो लोन का ये सारा पैसा खुद आपको चुकाना होगा, और वो भी ब्याज समेत। यानी ये ऐसे चक्रव्यूह की तरह होगा जिसमें जाना तो आसान होगा लेकिन निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि सरकारी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि हरियाणा सरकार 7 साल की सेवाएं देने के बाद भी आपको नौकरी देने की कोई गारंटी नहीं देती। यानी आप लोन लेकर पढ़ भी लेंगे, 7 साल तक किसी तरह काट भी लेंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकारी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। इस पूरे मामले पर हरियाणा की BJP सरकार का ये कहना है कि ये सारा तामझाम हरियाणा से ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए किया जा रहा है। यानी हरियाणा में पढ़ाई कर बाहर जाकर करियर बनाने वाले डॉक्टरों को हरियाणा में ही रोकने की दलील दी जा रही है। लेकिन खट्टर साहब, जरा ये बताइए, जब आपके इस छात्र विरोधी फैसले के कारण कोई डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा, तो फिर हरियाणा में किसे रोकेंगे? क्योंकि हरियाणा में तो छात्रों का डॉक्टर बनना मुश्किल हो जाएगा। उल्टे इस फैसले के कारण बड़ी संख्या में छात्र हरियाणा से बाहर जाकर पढ़ाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी आपका फैसला ही असल में ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं, मेडिकल छात्र अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं, लेकिन सरकार को जैसे कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी जो ये पॉलिसी निकाली है, ये बहुत ही गलत है। कोई भी गरीब बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसा कि आप सभी, कोई भी आपका रिश्तेदार पढ़ रहा हो या पहले पढ़ते हुए बच्चे हैं, पहले फीस होती थी 50,000, मिला करके उसका साल का खर्चा लगभग 1.5 लाख के आसपास आ जाता है। 23,000 रुपये हॉस्टल के, इसके अंदर भी बच्चों को लोन लेना पड़ जाता है। स्टूडेंट लोन करा के रखते हैं बहुत सारे बच्चे। अब जब 1.5 लाख रुपये में वो स्टूडेंट लोन करा रहा है,
तो जब 40 लाख रुपए भरने होंगे, 1 साल के 10 लाख भरने होंगे, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये कोई हरियाणा के अंदर एडमिशन लेने का सोचेगा भी नहीं। ये जो पॉलिसी आई है इसमें अब जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं 600, 640, 650 जो अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं वो लोग हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 40 लाख रुपए उनको भरने पड़ सकते हैं, साथ में सरकार नौकरी की कोई गारंटी नहीं दे रही है। तो हमें सरकार से ये पूछना चाहिए कि अगर आगे सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी तो जो भी बच्चे मध्यम परिवार से आएंगे तो उनके लिए पैसे कौन भरेगा या वो कैसे पैसे भर पाएंगे आगे के लिए? जो सरकार तर्क दे रही है, दरअसल सरकार कुतर्क कर रही है, सरकार हमें भरमा रही है, सरकार हमें सही बात नहीं बता रही। सरकार हर चीज को नीचे हाथों पे सौंपना चाहती है, हकीकत यही है। जितनी जल्दी हम जागरूक होंगे, जितनी जल्दी इस निजीकरण की मानसिकता के, ठेकेदारी की मानसिकता के खिलाफ लड़ना शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। रोहतक PGI में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे पंकज बिट्टू के मुताबिक हरियाणा में हर साल करीब 1500 डॉक्टर बनते हैं, लेकिन सरकार नौकरी महज 200-250 लोगों को ही दे पाती है। अब ऐसे में आप ये समझिए कि इतनी मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो बेचारे डॉक्टर आखिर क्या करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि हरियाणा में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। CMEI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में हरियाणा पहले से ही नंबर 1 पोजीशन पर है। अप्रैल 2020 में हरियाणा में बेरोजगारी दर 43.2% थी, लेकिन खट्टर सरकार इसे घटाने की जगह बढ़ाने में जुटी हुई है। अब एक नजर हरियाणा की गरीब आबादी पर। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर अपलोड जानकारी के मुताबिक हरियाणा में साल 2012 में करीब 11% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर थी। अभी भी हरियाणा 11% BPL रेट पर ही खड़ा हुआ है। इस गरीब आबादी में भी सबसे ज्यादा गरीब कौन सी आबादी है? जाहिर है SC ST और पिछड़े तबके से आने वाले लोग सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर स्टेट वाइज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बाय सोशल ग्रुप्स 2004-05 के मुताबिक हरियाणा में करीब 14% SC और OBC आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। हरियाणा के गांवों में 26.8% SC BPL में शामिल हैं, तो वहीं हरियाणा के शहरों में शेड्यूल कास्ट के 33.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। अब जरा सोचिए, हरियाणा सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? किसके बच्चे हरियाणा में कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का ये फैसला बहुजन समाज के बच्चों के लिए मेडिकल फील्ड में रास्ते बंद कर देने वाला लगता है। हमारे देश में पहले से ही छात्रों को पढ़ाई और करियर की इतनी चिंता रहती है कि उन्हें इसकी वजह से जबरदस्त तनाव से गुजरना पड़ता है। इसी तनाव में कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2018 में 10,159 छात्रों ने खुदकुशी की थी, यानी हर रोज 28 छात्रों को जिंदा रहकर पढ़ाई करने से ज्यादा मरना आसान लगा। इस देश में हर घंटे कोई एक छात्र सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। इसी तरह लाखों रुपए फीस बढ़ाना उन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर करने जैसा है। कुल मिलाकर इस पूरे वीडियो में आपको समझ आया होगा कि हरियाणा सरकार का ये फैसला मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। खासकर बहुजन समाज के बच्चों के लिए हरियाणा में अब डॉक्टर बनना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हमें लगता है कि हरियाणा सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि हमने सरकार को अच्छी और मुफ्त शिक्षा देने के लिए चुना है, इस तरह के जन विरोधी फैसले करने के लिए नहीं चुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज भी ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए अकाउंट डिटेल्स में हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं हूँ सुमित चौहान और कैमरे के पीछे मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। जय भीम, जय भारत।